और चले आगे बढ़ते और कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। अतीक अहमद का धमकी भरा ऑडियो वायरल, अशरफ हरवारा को धमका रहा है माफिया अतीक। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुर्गो से पिटवाने की अतीक ने दी धमकी। वायरल ऑडियो 2016 का बताया जा रहा है। भारत 24 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल मर्डर केस में नामजद पूर्वांचल के बाहुल अभी अतीक अहमद का एक ऑडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अतीक अहमद इस ऑडियो में अशरफ हरवारा नाम के एक व्यक्ति को पिटवाने की धमकी दे रहा है। अतीक फोन पर धमकी देते हुए कह रहा है, आपको बता दें वो धमकी देते हुए कह रहा है कि उसी के इलाके में उसे पिटवाकर सरेआम बेइज्जत करवाया जाएगा। फोन पर अशरफ हरवारा को उसके गाँव मर्यादी के लड़कों से ही पिटवाने की धमकी दी जा रही है। हालांकि आपका अपना चैनल भारत 24 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। 12 मई 2016 का वायरल ऑडियो बताया जा रहा है। उस वक्त अतीक अहमद जेल में नहीं था। अशरफ अतीक बोल रहे हैं। अच्छा खुद दोस्त का जो तुम परेशान किए रहा तो जी अशरफ के साले बने रहा तो विधायक जी के साले बन गए हो और तुम खुद दोस्त में चलना का सही अरे हरवाना चुका बहुत विवाद में हो जाओ बेचक ना हम गुरफूल को देखा ना कोनों को देखा। अरे हम भाई कोई बात ही नहीं है, वो आके आप झोंट मोट के बता रहे कहा बात है हमारे सामने बात करके बताओ कहा हमने उनको परेशान कर रहा हूँ। सामने तुमको चौधरी है तुम्हें सामने बात तो हो जाओ उस बात तुम वहाँ शिकायत हमको इतना ज्यादा मिला थी कारा हरामी पर तुम करते रहते हो हाथ में लेकू रहा तो हम बुनवा के मुँह देकर तुम पर शिकायत में बहुत ज्यादा एक हम बताए दे रहे हैं हम हरवाए की नौबे दूंगा हम सब पीछे सब लोग आवे ना देवे हम जाए तुम बचने में हम मरिए देख लो बुनवा बुनवा देवे ये तुम हो कह रहे हम आप खुद के मामले में तुम्हारा कोई हरामी पर हम सुनी ना सुना तो मिले जी आप खुद दूसरे मामले में कोई बनवा के ना करो। तो देखिए अतीक अहमद और अशरफ अहमद के बीच की कॉन्वर्सेशन आपने सुनी। ये ऑडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लेकिन भारत 24 इसकी पुष्टि नहीं करता है। आपको साथ ही बता दे कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के 15 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ मुख्य कातिलों तक नहीं पहुंच सके हैं। हत्यारों की तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस से 22 टीम कर रही है। 5 राज्य और 2 देश में एसटीएफ हाथ पांव मार रही है लेकिन बावजूद इसके 2.5 लाख के इनामी अतीक अहमद के 5 गुर्गे पुलिस की पकड़ से बेहद दूर है। हालांकि अब अतीक और उसके गुनाह के साथियों के खिलाफ यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जल्द ही अतीक अहमद को सच का सामना करना होगा। अतीक से पूछताछ के लिए यूपी एसटीएफ गुजरात रवाना हो गई है और आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ गुजरात पहुंच चुकी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक से पूछताछ के लिए यूपीएसटीएफ गुजरात पहुंच चुकी है और अतीक अहमद जिस शिकंजे में कसा हुआ है वो मुश्किलें अब उसके लिए बढ़ती जा रही है। साथ ही आपको बता दें प्रयागराज से बड़ी जानकारी, अतीक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई सीजेएम कोर्ट में। आपको बता दें आज शाइस्ता की याचिका पर सुनवाई होगी। 2 नाबालिग बेटों को छुड़ाने के लिए दायर है याचिका। अवैध तरीके से बेटों को हिरासत में रखने का है आरोप। साथ ही बता दें कि कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस बाल सुधार गृह से जवाब मांगा है। तो देखिए बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई आज होनी है सीजेएम कोर्ट में। आज शाइस्ता की याचिका पर सुनवाई होगी। 2 नाबालिग बेटों को छुड़ाने के लिए दायर है याचिका। अवैध तरीके से बेटों को हिरासत में रखने का आरोप है। तो साथ ही बता दें कि कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस बाल सुधार गृह से जवाब मांगा है। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें इसी से जुड़ी हुई। उमेश पाल हत्याकांड में जांच तेज होती जा रही है। अतीक की पत्नी पर इनाम घोषित, शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ है। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है शाइस्ता परवीन। ये बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त की बड़ी अपडेट। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में जांच अब तेज होती जा रही है। अतीक की पत्नी पर इनाम घोषित किया गया है। शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है शाइस्ता परवीन और आपको बता दें कि उसके सर पर भी अब 25,000 का इनाम रखा गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम।